दोस्तों, जब कोई इंसान कुछ करके दिखाने का हौसला रखता है तो कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती। दो कमरों में रहने वाले सुंदर पचाई के बचपन से ही बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे और वह इन ख्वाबों को पूरा करके दिखाने की ताकत रखते थे। एक साधारण आदमी से अमीर आदमी बनने तक का सफ़र बखूबी तय किया है सुंदर पिचाई ने। भारत के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का CEO एक इंडियन है। हेलो दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे सुंदर पिचाई की। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको सुंदर पिचाई पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। सुंदर पिचाई का फुल नेम सुंदर राजन पिचाई है। इनका जन्म 10 जून 1972 को मद्रास इंडिया में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र 48 साल हो गई है। इन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई जवाहर विद्यालय स्कूल से की है। इसके बाद इन्होंने अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई वानावानी स्कूल मद्रास से पूरी की है। सुंदर को बचपन से ही टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनको देखते देखते ही सुंदर का इंटरेस्ट भी टेक्नोलॉजी में वक्त के साथ बढ़ने लगा। अपने इसी इंटरेस्ट को देखते हुए इन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में BTech किया। अपनी मेहनत और लगन के साथ इन्होंने अपनी फील्ड में हमेशा टॉप किया। इसके बाद वह US से चले गए। यहाँ से इन्होंने अपनी मास्टर्स की। बिजनेस में इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने वार्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से MBA किया। सुंदर पिचाई पेशे से एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो बात कर लेते हैं सुंदर पिचाई के कैरियर के बारे में। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मैकिन्सी कंपनी से की और यहां पर वह मटेरियल इंजीनियर की काम करते थे। पिचाई 2004 में गूगल के साथ जुड़े थे। स्टार्टिंग में इन्होंने गूगल की टीम के साथ छोटे से सर्च टूल पर काम किया। कुछ टाइम काम करने के बाद इनके मन में अपना खुद का इंटरनेट ब्राउज़र बनाने का ख्याल आया और इस बात को इन्होंने उस वक्त के गूगल के CEO के साथ डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने सुंदर पिचाई को ये कहकर इनकार कर दिया कि इस प्रोजेक्ट को बांधने में काफ़ी टाइम लगेगा। CEO से इनकार सुनने के बाद पिचाई ने इस आइडिया को दूसरी टीम के मेंबर के साथ शेयर किया और इन सब ने सुंदर का साथ दिया और जैसे तैसे CEO को मना लिया और सुंदर पिचाई की मदद से 2008 में गूगल ने अपना खुद का ब्राउज़र लॉन्च किया जिसको आप गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। और आज गूगल क्रोम दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम की सक्सेस के बाद सुंदर पिचाई की पोजीशन और भी स्ट्रांग हो गई और देखते देखते वह CEO बनने की दौड़ में शामिल हो गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रोम की सक्सेस के बाद सुंदर को माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर से जॉब की ऑफर आने लगी, लेकिन गूगल ने इन्हें अच्छी खासी इनकम देकर अपने पास रख लिया। क्रोम लॉन्च करने के बाद सुंदर पिचाई ने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च करवाए जैसे Gmail, गूगल मैप्स। इनकी मेहनत को देखकर इन्हें 10 अगस्त 2015 को गूगल का CEO बना दिया। बात कर लेते हैं सुंदर पिचाई की इनकम की। बात करें कि इनकी एक दिन की कमाई की तो वह एक दिन में 5 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, लेकिन हर साल सुंदर पिचाई की सैलरी इंक्रीज होती रहती है। अगर 2018 की बात करें तो सुंदर पिचाई ने गूगल से 1,150 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद 2019 में इनकी सैलरी बढ़ा दी गई और इस साल इन्होंने 2,150 करोड़ की कमाई की। इसके अलावा सुंदर पिचाई के कई सारे इनकम सोर्स हैं जिनसे वह हर साल लाखों डॉलर कमा लेते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सुंदर पिचाई की नेटवर्थ की। इनकी नेटवर्थ जानकर आप हैरान रह जाओगे। सुंदर पिचाई की नेटवर्थ है 4,320 करोड़।